नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू राधाज कलिनरी। आज हम बनाने जा रहे हैं दीपावली स्पेशल मीठे शक्कर पारे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है, उसमें हम एक कप पिसी चीनी डाल रहे हैं। हमने इसको चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था। यहाँ पर हमने इसमें हाफ कप मेल्टेड घी लिया है और हाफ कप ही हमें यहाँ पर दूध लेना है। मिक्स करेंगे और अच्छे से चीनी को हम यहाँ पर इसके साथ मेल्ट कर देंगे, घोल देंगे, जिससे कि चीनी और हमारा सब एक साथ हो जाए। यहाँ पर हमें घी ही लेना है, जिससे कि हमारे जो शक्कर पारे एकदम खस्ता बनेंगे। यहाँ पर इसमें हम 2 TBSP तिल डाल रहे हैं सफ़ेद वाले, साथ ही में इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम 3 कप हमें यहाँ पर मैदा ऐड करनी है, थोड़ी थोड़ी करके करेंगे हम। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल मैदा से ही बना रही हूँ। थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे और हाथों से मिक्स करते जाएंगे इसे। हमने सारी मैदा मिक्स कर दिया इसमें और अच्छे से इसका आटा गूंथ लेंगे। हमको इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, इसी में हमको इसे अच्छे से नीट करना है। देखिए इसमें अच्छे से नीट हो गया है हमारा, ये अच्छे से नीट कर लिया है हमने इसको। और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इसमें से, हम रोल करेंगे इसे। हमें इसको बहुत पतला नहीं बेलना है, साइड से हम इसको कट कर देंगे, जिससे कि हमें स्क्वायर पीस मिल जाए। आप कोई भी शेप के बना सकते हैं। तो हम इसको कट कर देंगे। अब इनको हम एक प्लेट में अरेंज कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने बिल्कुल अब स्लो गैस कर दी है और इसमें हम अपने शक्कर पारों को डाल देंगे। देखिए अपने आप ही ऊपर फ्लोट होकर आ गए हैं। अब हम इनको टच करेंगे। इनको हमें वैसे टच नहीं करना, जब ये ऊपर आ जाएंगे तैर के तब हम इनको टच करेंगे और इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इनको हम निकाल देंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये। अब सेकंड बैच डाल देंगे इसमें हम और अपने सभी मीठे शक्कर पारों को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बनकर तैयार है हमारे मीठे शक्कर पारे। आप भी इस दिवाली रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मुझे कमेंट में शेयर करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बनाते रहिए, खाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैप्पी कुकिंग।